बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह पाक ग्राम से आज के ब्लॉग करते हैं जी आगाज़। तो आज हम यहाँ पे रिव्यू करने हैं जी किया ईवी 3 का, जो कि ईवी 6 और ईवी जो 9 है वो पहले किया चुकी है। ये अभी जो है 2024 और 2025 मॉडल, इसी को बोलेंगे हम। सबसे पहले हम इसके फ्रंट की जाने बातें चलें, तो फ्रंट पे आपको जो है ना यहाँ पे LED लाइट्स इसकी देखने को मिल जाती हैं, जो कि इसके इंडिकेटर इसके अंदर ही मौजूद हैं, और साथ में ये हेडलाइट इसकी यहाँ पर मौजूद है, जो प्रोजेक्शन हेडलैम्प आप इसको बोल सकते हैं। फ्रंट पे आते चलें तो फ्रंट पे आपको यहाँ पे जी किया का लोगो यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साथ में नीचे आते चलें तो यहाँ पे जी पार्किंग सेंसर है, साथ में फ्रंट जो रियर कैमरा है पार्किंग के लिए भी तो यूज़ होता है, और साथ में जो है ना फ्रंट कैमरा, जो कोई मतलब आगे चीज़ आ जाए तो जो है ना ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो नीचे आते चलें तो यहाँ पे जी आपको EV3 की बैजिंग है, नीचे इसके जो एक ग्रिल है, ग्रिल नुमा दे दी गई है प्लास्टिक की, और साथ में यहाँ पे रडार सिस्टम मौजूद है। तो ये जी फ्रंट की इसकी लोकेशन कुछ इस तरह की है, मतलब लुक शुक, और यहाँ पे कुछ कट्स वगैरह दे दिए गए हैं ऊपर, ये मतलब बोनट के अंदर भी आ जाता है, ये बोनट के अंदर भी आ जाता है, और साथ में नीचे बम्पर के अंदर भी ये आ जाता है कट। और जो ही हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जी हंगू के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे न्यू लुक में इसकी डिज़ाइनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि EV9 में भी आप लगा लें कि इसी तरह की डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिलती है। तो ऊपर आते चलें तो ऊपर यहाँ पे आपको जो है ना दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं, जो कि लाइन कीपिंग के लिए यूज़ होते हैं, और साथ में यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले है, साथ में यहाँ पे चेसिस नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। और जो ही आप थोड़े पीछे आते चलें तो यहाँ पे जी ये फ्रंट पे आपको इसका जो मिरर है वो देखने को मिल जाता है 360 कैमरा के अंदर, और साथ में नीचे जो है ना यहाँ पर इसकी लाइट दे दी गई है, जो कि साइड इंडिकेटर के तौर पर यूज़ होती है। और यहाँ पर आते चलें तो यहाँ पर आप वन टच पे इसको ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको एक ना प्रीमियम सी लुक इसकी देखने को मिल जाती है। साथ में जो ही आप यहाँ पे आते चलें तो यहाँ पे आपको जी हीटेड सीट और वेंटिलेटर सीट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको हीटेड स्टीयरिंग का ऑप्शन भी इसको दरवाजे के अंदर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ है थोड़ा सा, और नीचे यहाँ पे आते चलें यहाँ पर भी फैब्रिक का यूज़ है, साथ में यहाँ पर कंट्रोल्स हैं जो कि टोटली जो ना इलेक्ट्रिक में दे दिए गए हैं। नीचे आते चलें तो यहाँ पर भी हरमन का जो स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक के अंदर मौजूद है, यहाँ पे प्लास्टिक है, ऊपर भी जो है ना प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, थोड़ा मतलब फोम का और प्लास्टिक का मिक्सिंग है। और यहाँ पे आते चलें यहाँ पे जी स्टील का यूज़ है, साथ में यहाँ पे ट्विटर छोटा सा दे दिया कि जो कि बाहर वाली गाड़ी आती है, मतलब आपको जो है ना अलार्म की आवाज़ आ जाती है। जो ही आप अंदर आते चलें तो अंदर आपको जी यहाँ पे इसका जो कि न्यू लुक में डिज़ाइन किया गया इसका स्टेयरिंग, और साथ में जो किया की जो बैजिंग है सब पहले थी यहाँ पे सेंटर के अंदर, और अभी जो है ना एक साइड पे दे दी गई है। यहाँ पे जी कुछ लैंड कीपिंग और क्रूज कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, साथ में वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड यहाँ पे जो है ना वॉइस कमांड फंक्शन, और साथ में मोड आप इसके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लाइट का ऑप्शन है। नीचे आप आते चलें तो यहाँ पे जी ट्रंक होल्ड, इसको होल्ड करके रखेंगे तो पीछे वाला ट्रंक जो है ना ओपन हो जाएगा, साथ में ब्राइटनेस के भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, पार्किंग जो ब्रेक है इसकी वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रिक आपको देखने मिल जाती है। यहाँ पे जो फ्रंट जो ट्रंक है वो आप ओपन करने के लिए, क्योंकि ये EV है तो उस वजह से आप फ्रंट पे ओपन करेंगे तो आपको सिर्फ स्पेस देखने मिलेगी, जो कि आप थोड़ा अपना लगेज वगैरह छोटा मोटा रख सकते हैं, मतलब अपना बैग वगैरह कुछ। यहाँ पे जी एयर कंडीशन का ऑप्शन है, और साथ में हेड अप डिस्प्ले आ गया सामने, ये इसकी कीमत आ गई जी 5,50,20,000 वॉन, जो कि कोरियन के अंदर मौजूद है। आप इसको कन्वर्ट करके अपने जो है ना डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रुपीज़ के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आते चलें तो यहाँ पे जी आपको ये चीज़ बता दी गई है, और साथ में यहाँ पे जी एयर बैग यहाँ पर मौजूद है, साथ में ड्राइव के ऑप्शन मौजूद हैं, और जो इसका गेयर था ना वो यहाँ से हटा के पहले यहाँ पर लेके, यहाँ से भी हटा के ना ये स्टेयरिंग के नीचे ले गए हैं। यहाँ पर वन पुश पे इसको पार्किंग पे लगाएंगे, और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स और पार्किंग का इसका ऑप्शन मौजूद है, और साथ में यहाँ पे मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए ना यहाँ पे स्टेयरिंग के नीचे जो है ना इस गियर के अंदर ही आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर आते चलें तो ऊपर यहाँ पे जी आपको एक ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ में डिजिटल मीटर क्लस्टर है, साथ में यहाँ पे कुछ ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि मीडिया कंट्रोल्स के आप लगा लें, साथ में यहाँ पे वेंटिलेटर के ऑप्शन है दो, वॉल्यूम के हैं, और साथ में यहाँ पे इंडिकेटर का साइन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप पुश करके इसको ना टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हैं, साथ में फ़ैन है अप एंड डाउन, और साथ में टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे भी मौजूद है, जो कि ड्यूल कंट्रोल आप कर सकते हैं।
नीचे आते चलें तो नीचे आपको यहाँ से वन पुश पे ना इसको ओपन कर सकते हैं, और साथ में ट्रेलो चार्जिंग सॉकेट है वो यूज़ कर सकते हैं, साथ में सी टाइप सॉकेट है, साथ में यहाँ पे भी सी टाइप मौजूद है। इधर आते चलें तो इधर आपको जो है ना फैब्रिक के अंदर टोटली यूज़ है इसका, एम्बिएंट लाइट है जो कि मतलब फ्रंट पे भी दे दी गई है, और साथ में जो है ना दरवाज़ों के अंदर भी यहाँ पे भी मौजूद है, और यहाँ पे भी आपको जो मतलब होल्ड करके इसको खींचेंगे ना तो इसके नीचे भी मौजूद है। दो दरवाजे जो है मतलब फ्रंट वाला और ड्राइवर साइड वाला और पीछे वाला दरवाजे जो जितने भी हैं ना सारे तकरीबन उनके अंदर जो है ना प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आते चलें तो यहाँ पे जी आपको वैनिटी मिरर और साथ में रूम लाइट जो है ना वो आप मैनुअली इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जी ऊपर सनरूफ जो कि सिर्फ फ्रंट पे ही मौजूद है, पीछे बैक पे मौजूद नहीं है, पीछे सिर्फ आपको लाइट देखने को मिलेगी। और यहाँ से अगेन आपको वन टच पे इसको क्लोज कर सकते हैं सारे को, और ये भी खुद बखुद जो है ना हो जाएगा क्लोज सारा का सारा। यहाँ पे लाइट के ऑप्शन है जो कि आपको टच में देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे भी टच कर सकते हैं आपको, ये ऑन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे जी एमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मौजूद है, और साथ में यहाँ पे जी जो हाई पास है उसका ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर। ये पैसेंजर के बेल्ट्स वगैरह सीट बेल्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। सीट्स की बात करते चलें तो सीट आपको जो है ना यहाँ पे सीट जो है टोटली फैब्रिक लेदर और इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है जो कि क्रीम कलर का है, और साथ में जो है ना यहाँ पे येलो लाइन खूबसूरती के लिए इसको दे दी गई है, और यहाँ पे जी ब्लू का कॉम्बिनेशन इसका दे दिया गया है। यहाँ पे जी आप ऊपर से नीचे गाड़ी उतारते वक्त ना ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, साथ में यहाँ पे पार्किंग का ऑप्शन मौजूद है, साथ में यहाँ पे 360 व्यू कैमरा और ऑटो होल्ड, ऑटो होल्ड पे लगाएंगे तो गाड़ी अपने आप को खुद होल्ड करेगी, सब कुछ खुद करेगी। यहाँ पर जी आपको वायरलेस चार्जिंग पैड देखने को मिल जाता है, जो कप होल्डर हैं वन पुश पे इसको ओपन कर सकते हैं दोनों को, और यहाँ पे कुछ स्पेस मौजूद है इसके नीचे। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये वैसे ही फ़िलहाल उन्हें दे दिया गया, ये आगे करेंगे और ये चीज़ बन जाएगी। इसके नीचे जो है ना बटन मौजूद है, और आप जो ही पीछे की जाने बात चलें तो पीछे आपको ना जो मतलब ये साइड वाली जो सीट है इसको एडजस्ट करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और पीछे भी आप बैठ के जो है ना इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो पीछे वाला डोर है ना वो यहाँ से ओपन होगा, और जो ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे पीछे आते जाए तो पीछे सेम वही चीज़ आगे वाली, ये हल्की सी फोम है और प्लास्टिक का टच है थोड़ा सा, इसमें फैब्रिक है, साथ में हीटेड सीट का ऑप्शन है, हालांकि जो फ्रंट वाली सीट्स हैं ना वो वेंटिलेटर के अंदर भी मौजूद है। और यहाँ पे आते चलें तो यहाँ पे इसको सीट को जो है ना आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे जी आपको आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, और दो कप होल्डर भी यहाँ पे मौजूद हैं। पीछे आते चलें तो पीछे जी आपको ये मतलब इसका टोटली जो है ना एक ह्यूज सा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आते चलें तो यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं वन टच पे जो हो जाएगी। तो यहाँ से जी सीट टाइप दोनों सीटों के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेंटिलेटर के ऑप्शन है और नीचे थोड़ी सी स्पेस मौजूद है, यहाँ पे फाइल होल्डर है, और पीछे की सीट्स का ये सूरत हाल है कि, और इसकी जो है ना हेड स्पेस वो भी तकरीबन काफ़ी है, मेरा 6.5 फीट का है और मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे जी आपको LED में इसकी लाइट देखने मिल जाती है, और ये जी पीछे से आप अगर लॉक हो जाए तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन करके इसके अंदर बटन मौजूद है, बटन को खींचेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा, इसको बंद करेंगे ना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो हैंडल है ना वो यहाँ पे दे दिया गया और उसका नीचे मौजूद है। और ये पीछे आते जाएँ तो पीछे इसकी जो LED लाइट हैं वो LED टेल लैंप्स दे दिए गए हैं, साथ में ऊपर आपको यहाँ पे बैक लाइट देखने को मिलेगी, साथ में शार्क फिन टिन है, दोनों तरफ आपको रूफ लेस देखने को मिल जाती हैं। पीछे आएंगे तो यहाँ पे EV3 की बैजिंग है, नीचे जो है ना रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं, साथ में नीचे आपको लाइट देखने मिल जाती है जो कि बैक लाइट के तौर पर यूज़ होती है, साथ में यहाँ पे जी प्लास्टिक क्रोम और साथ में कुछ कम्बिनेशन दे दिया गया स्काई ब्लू का। तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर मौजूद हैं और साथ में यहाँ पे कुछ लाइट्स मौजूद हैं जो कि साइड इंडिकेटर तौर पर यूज़ होती हैं, और यहाँ पर इसका जो मतलब बैक कैमरा यहाँ पर है, और साथ में यहाँ पर इसका वाइपर नीचे दे दिया गया है।
तो ये जी इसकी साइड प्रोफाइल इस तरह की है, और इसकी जो राउंड ग्राउंड मतलब क्लियरेंस है वो तकरीबन ठीक ही है, जो एक कार होती है ना उसके बराबर है। फ्रंट पे आप आते चलें तो फ्रंट पे आपको अगेन वही चीज़ मतलब देखने को मिल जाती है, प्लास्टिक इसके अंदर काफ़ी यूज़ हो रही है मतलब। तो ये फ्रंट पे आते चलें तो फ्रंट पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स हैं, उसके उस तरफ भी आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ही देखने को मिलेंगे। तो ये जी आपको यहाँ पे इसका जो ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, तो इधर आते चलें तो इधर जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के तो आपको जो है ना फ्रंट साइड पे यहाँ पे वन टच पे इसको ना ओपन करेंगे और यहाँ पे आप अपना चार्जिंग पे लगा सकते हैं इसको, और ये मैनुअली बंद करेंगे। फ्रंट पे आते चले तो फ्रंट पे आपको जी यहाँ पे इसकी जो बैटरी है यहाँ पे है, और मोटर वगैरह इसके नीचे मौजूद है, हाइड्रोलिक शाफ्ट दोनों जाने आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो है ना फ्रंक को पहले मतलब कवर किया जाता था मतलब एक कवर की मदद से, अभी जो है ना अभी बंद हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक जो है ना कवर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे आप अपना कोई बैग छोटा मोटा रख सकते हैं। वन पुश पे इसको आसानी से आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का छोटा सा रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।